सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य देवरिया के दौरे पर हैं। देवरिया पहुंचने के बाद नंद पैलेस में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद मौर्य ने स्नातक चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मीडिया के सवालों पर कहा कि सपा के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे तमाम आरोपों पर उन्होंने बयान दिया है, आइए सुनवाते हैं। और ये जो भी संचालन समिति बना सभी साथी उत्सुक हैं काम। अब आज के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निगाह तो मैनपुरी पर भी था। 3 लाख रिकॉर्ड मतों से हारे वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़े वोटों के अंतराल से जीत दर्ज की है। 1 सीट रामपुर की भाजपा सरकार कैसे जीती है ये पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है, जानता है।